अक्टूबर 1904 को देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ। पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में काम करते हुए एक रेल दुर्घटना में कई लोग मारे गए, जिसमें स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए नैतिक आधार पर उन्होंने अपने पद गृह मंत्री से इस्तीफा दे दिया। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते में महत्वपूर्ण रोल अदा किया। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2 अक्टूबर 1971 को तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने बिरला हाउस गांधी संग्रहालय देश को समर्पित किया। यहीं पर 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई थी। 2 अक्टूबर 1900 को लीला नाग का जन्म हुआ। लीला नाग नेताजी सुभाष चंद्र जी के साथ देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2 अक्टूबर 1924 को फिल्म निर्देशक तपन सिन्हा का जन्म हुआ। 2006 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काबलीवाला, जिंदगी जिंदगी, एक डॉक्टर की मौत, आदमी औरत, सफ़ेद हाथी इनकी मील का पत्थर फिल्में हैं। 1942 में फिल्म अभिनेत्री आशा पारिक का जन्म हुआ। 60 से 70 के दशक में भारतीय सिनेमा को इन्होंने कई यादगार फिल्में दी। 1906 को भारत के महान चित्रकार राज रवि वर्मा का जन्म हुआ। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय के साथ मिलकर जनसंघ पार्टी की स्थापना की, जिसने 1952 के लोकसभा चुनाव में 30 सीटें जीती। आपातकाल के बाद जनसंघ ने देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ मिलकर जनता पार्टी का निर्माण किया, जो आगे चलकर अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में इसका विलय हो गया। 1988 में सियोल में 24वें ओलंपिक खेलों का समापन हुआ। 2 अक्टूबर 1952 को ग्रामीण सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1975 में कामराज जी का जन्म हुआ। कामराज संविधान सभा के एक्टिव मेंबर थे। भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया, या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को सत्ता में लाने में इन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई। 1976 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। 1964 में राजकुमारी अमृत कौर, प्रख्यातवादी गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हुआ। या आजाद भारत की प्रथम हेल्थ मिनिस्टर थी। 16 वर्षों तक महात्मा गांधी की सेक्रेटरी रही। जिस समय देश में हेल्थ के नाम पर कुछ नहीं था, उस समय एम्स की स्थापना के लिए 1956 में लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। बाद में एम्स की स्थापना के लिए धन जुटाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2 अक्टूबर 2007 अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। धन्यवाद।